हमीरपुर के राठ कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। खूनी संघर्ष में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें एक की मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसी के साथ ही घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। वहीं घायलों में से तीन की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें कानपुर रेफर कर दिया गया। इसी के साथ ही पुलिस ने सात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। उनके बीच खेत में जाते समय लड़ाई शुरू हो गई थी, झगड़े शुरू हो गए थे। दोनों ही पक्षों में मारपीट की घटनाएं शुरू हुई, लेकिन एक पक्ष के द्वारा उसमें डंडों का अपना प्रयोग किया गया है, अन्य चीज़ों का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से दूसरे पक्ष के लोग ज़्यादा घायल हो गए और उनको तत्काल यहाँ से रेफर कर दिया गया, जिसमें वो झांसी चले गए। झांसी में जाने के पश्चात उरई में ही एक व्यक्ति जो अर्जुन नाम का व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति अभी झांसी में एडमिट है, उसका इलाज वहां पर चल रहा है। इस संदर्भ में कल हमें तहरीर प्राप्त हुई है और तत्काल मुकदमा अपराध संख्या 660/21 थाना राठ में उसको पंजीकृत कर लिया गया है, जो बलवे और हत्या के साथ साथ हत्या के प्रयास की संगीन धाराएँ उसमें लगी हुई हैं। सात अभियुक्त इसमें नामित हैं। हमारी कोशिश है, टीमें इसके लिए गठित की गई हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र जो भी उसमें सही अभियुक्त हैं उन सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में लिबड़ी तालुका का भलगामदा गांव जिले का सबसे पहला विकासशील गांव माना जाता है। भलगामदा गांव में अच्छी और विकास संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे सभी लोगों ने इसे विकास के रूप में देखा है। फिलहाल गुजरात के सभी ग्रामीण इलाकों में ग्राम पंचायतों के सरपंचों का चुनाव नजदीक है। भारत की स्वतंत्रता के बाद उस समय से लेकर आज तक लिबड़ी तालुका के भलगामदा गांव में सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार इस गांव के ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए कोई चुनाव नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि भलगामदा गांव ने पिछले कार्यकाल में गांव को सरपंच के रूप में विकसित किया है। पक्की सड़कें, आंगनबाड़ी, कई स्कूल की सुविधाएं इस गांव में उपलब्ध हैं। आज हमारे गांव में जो इलेक्शन के लिए मीटिंग हुई और गांव में समरथ होने के लिए जो आज़ादी से पहले आज तक कभी इलेक्शन नहीं हुआ ग्राम पंचायत का, तो आज हमारा गांव में सभी ज्ञाति के लोग मिलके हमारे उप सरपंच और उप सरपंच की नियुक्ति की और पूरी टीम को नियुक्त किया, बिल्कुल समरस के साथ पूरा किया। और हर टीम में हम जो पहले हमारा सरपंच और उप सरपंच थे उसमें जो विकास का काम किया उसका जो बाकी रह गया वही काम करेंगे। गुजरात के सुरेंद्रनगर में बीजेपी की तरफ से लखतारी में जिला कार्यकारिणी की बैठक की गई। इस बैठक में बीजेपी के प्रभारी नितिन भारद्वाज भी मौजूद रहे। जिला कार्यकारिणी में प्रदेश उपाध्यक्ष, विधायक, पूर्व सांसद, जिला बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष समेत प्रदेश कार्यकारिणी भी मौजूद रहे। इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर सरकार की तरफ से शुरू किए गए हर घर दस्तक कार्यक्रम में सभी कार्यकर्ता बूथों में शामिल हुए और क्षेत्र के सभी लोगों का टीकाकरण किया, जिसमें उनके अपने बूथ शामिल हैं। लालकुआ के बिंदुखत्ता निवासी शहीद मोहन नाथ गोस्वामी 2015 में दुश्मनों को मारते हुए जम्मू कश्मीर के जिला कुपवाड़ा में शहीद हो गए थे। उन्होंने 11 दिन में 10 आतंकियों को मार गिराया था, जिनके अंतिम संस्कार पर कांग्रेस सरकार में तत्कालीन मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने शहीद मोहन गोस्वामी के नाम से गाँव में मिनी खेल स्टेडियम, स्कूल, सड़क, प्रवेश द्वार बनाए जाने सहित अन्य घोषणाएं की थी। यहां तक कि तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी शहीद के घर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे और सरकार की तरफ से की गई सभी घोषणाओं को पूरा करने की बात भी कही थी। इस बीच कुछ घोषणाएं पूरी हुई लेकिन कुछ आज भी अधूरी हैं, जिसमें शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम से मिनी स्टेडियम बनाया जा रहा है, जो कब बनेगा और कैसे बनेगा किसी को मालूम नहीं है। अच्छा हुआ, पहले माँ होती है, औरत होती है, पहले वो बोल की बयाना दो मेरे को, बड़ा कौन होता है, है? माता सबकी होती होगी। आपके बेटे के नाम पे स्टेडियम वगैरह कुछ नहीं मिला, विधायक जी भाग गए क्या? हाँ, कहते हैं क्यों भागा विधायक जी? वो विधायक काम दिखा दो, हमको धरातल पर काम दिखा दो, तब तो हम भी माने। चोर है वो, चोरी करके चले गया, बार बार होता मेरे सामने आता। बहुत दिक्कतें हो रही हैं लोगों को, चोटें लग रही हैं यहाँ पे, मतलब कभी कभार जंगली जानवर भी आ जाते हैं, सांप और जैसे बड़ी छिपकली एक, मतलब और मतलब यहाँ पे मतलब पिच भी बहुत बेकार है और पेड़ वेड़ सब मतलब बेकार है कुल मिला के बहुत। मतलब मांग ये है कि मतलब बनाना चाहिए, आगे फैसिलिटी देनी चाहिए कुछ। शहीदों के सम्मान में कहीं बात करने वाली सरकार ने, लेकिन शहीदों का अपमान कर रही है। अपमान तो किया ही है जी, अब शहीद मोहन नाथ गोस्वामी जी के यादों में बनाना चाहते हैं। अभी कितने साल बचपन से हम मतलब यहीं हो गए, ऐसे देखते देखते अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है।
उत्तरकाशी में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बुधवार को कलेक्ट्रेट परिसर से प्रधानमंत्री फसल बीमा सप्ताह रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी ने कृषि और बीमा कंपनी को जिले के ज्यादा से ज्यादा किसानों तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए और रथ के जरिए एक सप्ताह तक जागरूकता अभियान चलाने और किसानों की फसल का बीमा कराने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लिए गए देवस्थानम बोर्ड को भंग करने के फैसले को वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने ऐतिहासिक और सही बताया। यहां अपने कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में बोलते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित पिछले लंबे समय से राज्य सरकार से मांग कर रहे थे, जिसे धामी सरकार ने उनके हित को देखते हुए भंग करने का फैसला लिया है, जो कि ऐतिहासिक है और पूरी तरह से सही है। उत्तराखंड के वरिष्ठ आईएएस दीपक रावत अब कुमाऊं के आयुक्त होंगे। बुधवार को शासन ने उनके तबादले के आदेश जारी कर दिए हैं। कुंभ मेला अधिकारी के पद से पिछले दिनों दीपक रावत को हटाकर सरकार ने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के एमडी की जिम्मेदारी दी थी। हालांकि दीपक रावत ऊर्जा विभाग में रहने के इच्छुक नहीं थे। बुधवार को सचिव कार्मिक अरविंद सिंह हयांकी ने उनके तबादले के आदेश जारी किया। वो कुमाऊं आयुक्त के साथ ही आरएस टोलिया उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में निदेशक पद की जिम्मेदारी भी संभाल सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।